तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खमागणे दोस्तों, मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो इतने दिन से मैं ऑनलाइन नहीं आई, ऑनलाइन मतलब वीडियो नहीं बनाया, उसके लिए सॉरी, दिल से बोल रही हूँ। थोड़ी सी कुछ स्कूल के दायित्व थे और कुछ अपने घरेलू जिम्मेदारियाँ थी कि मैं बना नहीं पाई, और कुछ अपनी वैकेंसीज भी नहीं आ रही थी, और बहुत सारी जो मैंने मेरी स्ट्रेटेजी थी वो मैं आपसे पहले से शेयर कर चुकी थी, इसलिए मुझे लगा कि शायद अभी ज़रूरत नहीं है। जैसे ही वैकेंसी वगैरह आएगी तो मैं ज़रूर आऊँगी मोटिवेट करने को, बट आप लोगों के इतने सारे मैसेज आए, मुझे तो मतलब लग ही नहीं रहा था कि इतने सारे लोग मिस करेंगे, लेकिन हाँ, आप लोगों के इतने सारे मैसेज आए उसके लिए थैंक यू सो मच, और कोशिश करूँगी। आप ये नहीं सोचिए, बहुत सारे लोगों ने इस तरह के भी मैसेज किए कि मैम आप हमें भूल गए, आप तो बहुत मतलबी हो, जब ठीक है खुद बन गए और हमें भूल गए, तो ऐसे कोई भी बात नहीं है कि मैं आप लोगों को भूल गई हूँ। मुझे जितनी मैं आप लोगों को मेरी तरफ से गाइडेंस दे सकती हूँ उतनी मैं हमेशा देती रहूँगी, जब तक कि मैं खुद को समझूँगी कि मैं काबिल हूँ, देने लायक हूँ, तब तक मैं हमेशा देती रहूँगी, है ना। और कुछ जिम्मेदारियाँ होती है महिला होने के नाते, तो थोड़ा सा मैं बिज़ी हो गई थी और थोड़ा सा वैकेंसीज डिले अपनी चल रही थी, इसलिए भी मैंने सोचा कुछ दिन का ब्रेक ले लेते हैं, इसलिए मैं ऑनलाइन नहीं आ पाई, उसके लिए सॉरी, है ना। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का आज का टाइटल रहने वाला है कि जो आप सबका क्वेश्चन होता है, मैम फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी कब आने वाली है, सेकंड ग्रेड की वैकेंसी कब आने वाली है, ग्रेड थर्ड की वैकेंसी कब आने वाली है, क्या ग्रेड थर्ड में पात्रता एग्ज़ाम होएगी या नहीं होएगी, इन सब का जवाब मैं अपनी तरफ से देने की कोशिश करूँगी। वीडियो बनाने का मकसद यही था। आप सब लोगों ने मेरे को ढेर सारे मैसेज किए हैं, तो पुराने वीडियो सर्च कर करके मैसेज किए, मेरी पोस्ट सर्च कर करके मैसेज किए, तो बस मकसद था कि आप लोगों से थोड़ी सी बात भी कर लूँ और आप सब लोगों का जो थोड़ा कन्फ्यूज़न चल रहा है वो दूर भी कर दूँ। और मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलरिटी में अपने मोटिवेशनल वीडियोस चलते रहें। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक कोटेशन मैं बोलना चाहूँगी, और इसी कोटेशन पे आज का अपना पूरा वीडियो होने वाला है कि समय हमेशा अपनी रफ्तार में चलता है मेरे दोस्त, अगर हम थोड़ी सी देर रुके तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे, धीरे ही सही मगर चलते रहो। कहने का मतलब ये है कि देखो, अभी आप सबको पता है कि अपनी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की वैकेंसीज नहीं आई हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जब वैकेंसी आ जाएगी उसके बाद में हम पढ़ाई शुरू करेंगे, और उसके बाद में एक लय आती है पढ़ने में, उसके बाद में हम कुछ बन पाएंगे, लेकिन सच्ची बात यही है कि अगर हमने अभी अपनी लय छोड़ दी तो आगे हम कंटिन्यूअसली नहीं रख पाएंगे, ठीक है। शुरुआत करते हैं कि अभी कुछ दिन पहले 1 मई को नोटिफिकेशन आए थे जिसमें हमारी कुछ वैकेंसीज दी गई थी, आरपीएससी ने बहुत सारी वैकेंसीज निकाली थी, मुझे भी बहुत उम्मीद थी जब मैंने आरपीएससी का वो वाला नोटिफिकेशन डाउनलोड किया कि शायद फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड की कोई सी वैकेंसी तो आई हो, लेकिन निराशा मुझे भी बहुत हाथ लगी क्योंकि उस जो नोटिफिकेशन था उसमें 5-6 जो वैकेंसीज आ रखी थी वह ज़्यादातर वही पुरानी भर्तियाँ थी जो लगभग चली आ रही हैं, मतलब पहले से जो एग्ज़ाम्स आ चुकी थी उन्हीं का कैलेंडर आरपीएससी ने जारी किया था, और एक तरह से यूँ मान लो कि हमें बेवकूफ़ी बनाया था, है ना। मैं भी वेट कर रही थी आप लोगों की तरह कि हाँ भाई, बच्चों के लिए फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ जाए, क्योंकि बहुत सारे आप जैसे सब्सक्राइबर भी हैं जो पर्सनली भी मिलते हैं, पूछते हैं, मेरी खुद की कजिन्स हैं, खुद की बहनें हैं, और बहुत सारे रिश्तेदार हैं जो आरपीएससी की वैकेंसीज का वेट कर रहे हैं, तो मुझे भी बहुत वेट था कि यार वैकेंसी आए तो बच्चों को कुछ पढ़ने का मोटिवेशन तो मिले, है ना। वैकेंसी के बिना तो हमें एक बार को ऐसा लगता है कि यार कुछ है ही नहीं एग्ज़ाम, है ना, पास में। तो जब 1 मई की जो नोटिफिकेशन आया उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत वो 5-6 जो वैकेंसीज के बारे में बोला गया, उस टाइम के बाद में आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आए कि ये ना आरपीएससी ने बेवकूफ़ बना दिया, हमारे लिए तो कोई वैकेंसी नहीं है, हम इतने दिन से वेट कर रहे थे, और बहुत सारे बच्चों के मन में दुविधा भी हो गई कि अब क्या होने वाला है, मतलब कि अभी तक तो हमारी वैकेंसी इसकी डेट तक नहीं दी, और जो हमारा नोटिफिकेशन आया था उसमें जो एग्ज़ाम्स की डेट दे रखी है वो जून 2021
25 तक की दे रखी है, मतलब फरवरी 2025 से एग्ज़ाम शुरू हो रही है और जून 2025 तक की डेट उसमें दे रखी है। तो इसका मतलब जो अभी वैकेंसीज पेंडिंग चल रही हैं उनके डेट ही जून 2025 एग्ज़ाम की दे रखी है। तो आने वाले वैकेंसीज़ में एग्ज़ाम कब लगेंगी ये भी हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न था और बच्चे इस चिंता में भी चले गए कि अभी तक तो हमारी वैकेंसी ही नहीं आई, जो पहले से आ चुकी हैं उनकी डेट इतनी लेट दे रखी है, तो हमारी वैकेंसी कब आएगी और फिर हमारी एग्ज़ाम कब लगेगी। और बहुत सारे लोगों को ऐसे भी हो गया कि हमारी एग्ज़ाम अभी मतलब जून से पहले तो नहीं होने वाली, जून 2025 पहले, तो हमारे पास तो इतना फ्री टाइम है कि अभी करने को कुछ है ही नहीं, है ना। तो देखो एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि डरने की ज़रूरत नहीं है, है ना। अभी जो नोटिफिकेशन आया था ना उसमें ज़्यादातर पुरानी एग्ज़ाम्स की डेट दी गई थी। मैं अभी कुछ दिन पहले ही शिक्षा मंत्री जी का बयान आया था पेपर में कि लगभग 9000 जो अध्यापक पद हैं जिसमें फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड हैं उनके लिए हम तैयारी कर रहे हैं और जल्द ही हम उनकी वैकेंसीज निकालने वाले हैं। और क्योंकि मैं शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ और मुझे पता है कि बहुत सारे हमारे पद खाली हैं, तो ऑब्वियस सी बात है सरकार को निकालनी तो पड़ेगी वैकेंसी, कब तक बहाने मारती रहेगी, है ना। इससे पहले जो अपने राजस्थान में इलेक्शन हुए उनके लिए आचार संहिता लग गई, तभी भी वैकेंसी नहीं आई थी, और अब लोकसभा इलेक्शन है उनके चक्कर में आचार संहिता लग गई और अभी भी फिर से वैकेंसीज नहीं आ रही। तो मैं ये कहूँगी कि वैकेंसी तो आने वाली है क्योंकि खुद शिक्षा मंत्री जी का बयान आया था, बस वेट हमें इतना सा करना है कि लोकसभा इलेक्शंस की जो आचार संहिता है एक बार वो हट जाए, तो मुझे लगता है कि जून 2024 तक जो हमारी आचार संहिता है वो हट जाएगी, फिर सरकार को अपने ढर्रे में आना ही पड़ेगा। और जो शिक्षा मंत्री जी का बयान भी आ चुका है तो हमारी वैकेंसीज मुझे लगता है कि जून बाद में पक्का और पक्का हमारी वैकेंसीज आएंगी, है ना। देखो मुझे भी ऐसे कोई वो अंदरूनी स्रोत तो बता के नहीं जाते हैं, बट जिस हिसाब से जितनी पेंडिंग अपनी चल रही है और जितने कयास अभी लगाए जा रहे हैं, कुछ लोग हैं फैमिली में जो शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं, ऑफिसर्स रैंक में हैं, तो उनसे भी बातचीत होती रहती है तो वो लोग भी बोलते हैं, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि वैकेंसी हमारी जून बाद में आने की संभावना है। और वैकेंसी मुझे जो लगता है उसमें लगता है कि सबसे पहले फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आएगी, फिर सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आएंगी। हमेशा ऐसा ही होता है कि सबसे पहले फर्स्ट ग्रेड की ही वैकेंसी निकाली जाती है, ज़्यादातर ऐसा ही होता है, और इस बार भी मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले फर्स्ट ग्रेड की ही वैकेंसी निकाली जाएगी। ठीक है, अब मेरा जो चैनल है इसमें हम ज़्यादातर बातें फर्स्ट ग्रेड की करते हैं, आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझसे सेकंड ग्रेड के लिए एडवाइस मांगते हैं और सेकंड ग्रेड के एसएसटी के पेपर की मेरे से स्ट्रेटेजी मांगते हैं। देखो आज तक जो मैंने चैनल पे जो भी वीडियोस बनाए हैं ना उसमें मैंने आप लोगों ने जितना भी मेरे वीडियोस को पसंद किया है उसमें सबसे एक चीज़ अहम रहती है कि मैंने जो भी अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं ना वो मेरे निजी एक्सपीरियंस हैं। मतलब कि मैंने आज तक जिस भी एग्ज़ाम की स्ट्रेटेजी या फिर जो भी मैंने आपके साथ में शेयर किया है वो एग्ज़ाम्स या मैंने खुद ने पास करी है, फेल हुई हूँ, पास हुई हूँ, और उसके बाद में जब मैं पास हो गई और मुझे लगा कि मैं धक्के खा के इस तरह से पास हो सकती हूँ और मैं काबिल हुई इसके बारे में बताने के लिए, तब मैं आपके सामने वो स्ट्रेटेजी लेके आती हूँ। देखो आज तक मैंने आपके सामने नेट के बारे में, फर्स्ट ग्रेड के बारे में और एसआई के बारे में बात करी है, रीट के बारे में बात करी है और आरएएस के बारे में सबसे ज़्यादा बात करी है, क्योंकि मैंने भी अपनी तैयारी के ज़्यादातर साल जो है मैंने आरएएस के एग्ज़ाम को ही दिए हैं। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि जो एग्ज़ाम मैंने दिए हैं, जिनके संघर्ष और अनुभव मुझे हुए हैं, मैं वही एग्ज़ाम्स की स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करूं और मैं ज़्यादातर वही स्ट्रेटेजी शेयर करती हूं। सेकंड ग्रेड की मैं कम शेयर इसलिए करती हूं कि देखो मैं इन सभी एग्ज़ामों में पास हुई हूं लेकिन मैं सेकंड ग्रेड में फेल हुई थी,
तो मैं रीट में पास हुई थी, मैं फर्स्ट ग्रेड में एस आई में नेट में सब कुछ में पास हुई थी, लेकिन मैं सेकंड ग्रेड में फेल हुई थी। और मैं आज भी हमेशा कहती हूँ, मुझे सेकंड ग्रेड का पेपर आज भी फर्स्ट ग्रेड से भी ज़्यादा हार्ड लगता है। मुझे फर्स्ट ग्रेड आसान लगता है, सेकंड ग्रेड हार्ड लगता है। इसलिए कभी मैंने जो SST की जो मैंने स्ट्रेटेजी आप लोगों से फर्स्ट पेपर की ज़रूर शेयर करी है, क्योंकि सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स थे मेरे, लेकिन SST में मेरे मार्क्स कम रह गए थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे मैं RAS मेंस की तैयारी कर रही थी, और बिना तैयारी के भाई साहब चाहे छोटी एग्ज़ाम हो चाहे बड़ी, कोई भी नहीं निकलती। कि मैं RAS की तैयारी कर रही हूँ तो मेरी सेकंड ग्रेड निकल जाएगी, नहीं निकली थी मेरी उस टाइम पे सेकंड ग्रेड, है ना। तो इसलिए मैं आपको सेकंड ग्रेड वाला एडवाइस कम से कम देना चाहती हूँ। जितनी मैंने सेकंड ग्रेड की स्ट्रेटेजी आप लोगों से शेयर भी की है ना, तो वो जैसे मेरी छोटी सिस्टर है, या फिर मेरी एक सिस्टर अभी सेलेक्ट हुई थी सेकंड ग्रेड में, इन सब से मैं पूछ के कि यार तुमने क्या पढ़ा, कौन से नोट्स बेटर हैं, ये पूछ के मैं आपसे बताती हूँ। लेकिन मैं खुद के सोर्सेज पे ज़्यादा विश्वास करती हूँ, कि जो चीज़ें मैंने अनुभव करी है मैं आप लोगों से वो ज़्यादा शेयर करना चाहती हूँ। इसलिए मैं सेकेंड ग्रेड के बारे में बात कम करती हूँ, रीट और फर्स्ट ग्रेड के बारे में बात करती हूँ। अब बात करते हैं फर्स्ट ग्रेड की। देखो, अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगी कि मैंने बोल दिया अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, जून जुलाई तक नोटिफिकेशन ऐसा आ जाएगा। और एग्ज़ाम ज़रूरी नहीं है कि 2025 जून बाद में कि ये एग्ज़ाम्स की डेट आ गई उसके बाद में ही हमारी एग्ज़ाम होगी, ऐसा कतई ज़रूरी नहीं है। हमारी एग्ज़ाम पहले भी हो सकती है। हाँ, संभावना यही है कि हमारी एग्ज़ाम मार्च अप्रैल 2025 के बाद में ही डेट आएगी, क्योंकि उससे पहले की डेट RPSC बिजी कर चुकी है, ज़्यादातर डेट्स में एग्ज़ाम्स हैं। लेकिन भाई कुछ भी हो सकता है, हम RPSC के बारे में कोई भी ऐसे भविष्यवाणी नहीं कर सकते, क्योंकि पहले हमने कई संभावनाएं व्यक्त करी थी और उसमें RPSC ने बहुत जल्दी एग्ज़ाम करवा ली। इवन हमारे RAS मेंस में भी हमारे साथ भी ऐसा हुआ है कि हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, उससे जल्दी हमारी एग्ज़ाम हो गई। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारी एग्ज़ाम जून 2025 बाद में ही होगी। संभावनाएँ हैं कि हमारे जो जून जुलाई में हमारे फॉर्म आ जाएंगे 2024 में, और एग्ज़ाम हो सकता है फेब मार्च अप्रैल मई जून इस टाइम पे हो, या हो सकता है इसके बाद में भी हो जाए। लेकिन हम ये मान के चले कि मार्च 2025 तक तो हमारी एग्ज़ाम की डेट दे ही देगी। 4 महीने की डेट या 3 महीने देना ज़रूरी होता है RPSC को फॉर्म के बाद में, तो उतना ही हमें मतलब मिल सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब बात करें कि देखो, फर्स्ट ग्रेड जो है वो कोई छोटा मोटा सिलेबस तो है नहीं। जिस दिन एग्ज़ाम आई, जैसे बहुत सारे लोग हैं मेरे परिवार में भी हैं, ये गलती करते हैं कि यार इस बार वैकेंसी आने दो, मैं तैयारी करूँगी या करूँगा और फिर मैं फर्स्ट ग्रेड निकाल लूँगी। तो मेरी खुद की दीदी ही है एक, तो है ना, मेरी खुद की दीदी हमेशा कहती है जी इस बार वैकेंसी आएगी तो मैं फर्स्ट ग्रेड निकाल लूँगी। तो मैं दीदी को हमेशा एक ही बात कहती हूँ, दीदी वैकेंसी आएगी तब नहीं तैयारी होगी, अगर तैयारी करनी है तो बिना वैकेंसी के तैयारी करो। क्योंकि सिलेबस जो है हमारा इतना बड़ा होता है कि वैकेंसी आने के बाद में आप कितनी मेहनत कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा एक बार पूरा कर लोगे, दो बार पूरा कर लोगे, थोड़ा स्ट्रेस भी हो जाता है, हमें याद भी कम होता है ना। इससे पहले अभी फ्री हो, अभी जितना बड़ा सिलेबस है आराम आराम से निपटाते रहो। मैं सिर्फ आपको एक चीज़ कहूँगी कि जिस रेस में आप दौड़ रहे हो ना, छोटी मोटी रेस नहीं है, छोटा मोटा लक्ष्य नहीं है, टीचर ग्रेड की सबसे बड़ी एग्ज़ाम है। और मैं तो कहूँगी आज की दुनिया में सरकारी नौकरी कोई सी भी हो तो वो बड़ी ही है यार, लाइफस्टाइल सबकी चेंज हो जाती है। अगर आप Grade 3 की नौकरी भी पकड़ते हो ना, तो उनकी भी लाइफस्टाइल अन्य महिलाओं से, अन्य पुरुषों से बहुत अलग हो जाती है। भाई आपके हाथ में अगर 40,000 रुपये महीने के आ रहे हैं ना, अगर आपने Grade 3 की नौकरी भी ली है, तो यार बहुत अच्छी जीवन शैली आप रख सकते हो। क्योंकि अगर आप जॉब लग गए तो आपके हस्बैंड होंगे या वाइफ होंगे, ऑब्वियस सी बात है वो जॉब वाले ही होंगे, शादी अगर आप करोगे तो। और नहीं अगर कर मतलब पहले ही हो चुकी है तो आप एक फैमिली को बहुत अच्छी तरह सपोर्ट कर सकते हो अपनी अपनी सैलरी में। तो मैं तो कहूँगी कोई भी सरकारी नौकरी छोटी नहीं होती है ना, बढ़िया है यार। आजकल के ज़माने में बस सिक्योरिटी मिल जाए अपन को फ्यूचर की, बाकी तो प्राइवेट बिजनेसेस प्राइवेट जॉब वालों के आप हालत देख रहे हो। दूर से हमें भले ही सुहाने लगते हो सपने, लेकिन 12-12 घंटे की उनसे भयानक नौकरी करवा के अगर 70,000 की सैलरी दे देते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि सरकारी नौकरी से बेटर, और वो भी टीचिंग से बेटर। इवन मेरे हस्बैंड तक कहते हैं
जब मैं जैसे अब गर्मियों की छुट्टियां हो रखी हैं, घर आ रखी हूँ, मैं पूरे दिन घर रेस्ट करती हूँ, तो वो खुद कहते हैं यार मतलब टीचर जैसी जॉब नहीं है, मतलब मैंने टीचर जैसी जॉब नहीं देखी। तो इतनी अच्छी जॉब है यार, देखो मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी लंबी करनी पड़ रही है, तो वो मुझे भी समझ आ रहा, आपको भी समझ आ रहा। बहुत सारे लोग इस दौरान डीमोटिवेट होके, लड़कियां शादी को राजी हो जाती है कि हाँ ठीक है रे यार छोड़ो, वैकेंसी ही नहीं आ रही, दो बार फेल हो चुकी हूँ, अब कौन सा घर वाले मान रहे हैं, कर लेते हैं शादी। लड़के भी बेचारे नौकरी वोकरी वो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ छाड़ के कहीं कुछ भी बेचारे अपना करना करने लग जाते हैं, अगर शादी का दबाव नहीं भी है और कुछ मतलब फाइनेंशियल दिक्कत है तो भी। तो मैं ये कहूँगी कि यार इतने दिन संघर्ष किया है ना, तो यार इतनी अगर हमने तैयारी करी है ना, तो बिना एग्ज़ाम दिए मत हारना यार, ये अपनी ज़िंदगी की ना सबसे बड़ी भूल होगी। मुझे जो नौकरी मिली थी ना, कोई आसान नहीं थी, हम कोई एक दो साल में नौकरी नहीं लग गए। हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि बहुत सारे लोग हैं जो लग जाते होंगे एक दो साल में, बट राजस्थान में तो आपको ऐसे एग्जाम्पल कम ही मिलेंगे, है ना। तो मैं खुद, मेरी जो 2014 में हुई थी मेरी एमए, और मैं नौकरी लगी हूँ 2021 में, 7 साल, और 7 सालों में मैंने कभी ज़िंदगी में रेस्ट नहीं किया। बस मैं एक चीज़ ज़रूर हमेशा कहती हूँ कि 2014 से 16 तक मैं बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थी, पढ़ाई को लाइटली लेती थी, और मैं सोचती थी कि पहले मैं सिर्फ नेट की एग्ज़ाम देती रही, फिर आरएएस देती रही, आरएएस की सिर्फ प्री दी, प्री में पास नहीं हुई गांव से, फिर धीरे धीरे दुनिया की हकीकत समझ में आई, हम बाहर निकले, तैयारी करने लगे, तब तक बहुत लेट हो चुकी थी, फिर वैकेंसीज नहीं आती थी, एक बार फेल हुए, वैकेंसी नहीं आई, दूसरी बार फेल हुए, और फिर कुछ बचा ही नहीं, फिर बीएड करी, फिर वैकेंसीज आई फर्स्ट ग्रेड की, फिर एग्ज़ाम दी, फिर नौकरी लगी। 7 साल लग गए थे मुझे भी, तो 7 साल एक लड़की का संघर्ष करना आसान नहीं होता है, 7 साल एक लड़की को घर पे बिठा के रखना भी आसान नहीं होता है, उसके मम्मी पापा उस लड़की से भी बड़ा रिस्क लेते हैं, और लड़की भी बहुत बड़ा रिस्क लेती है, जब वो हमेशा अपने मुँह से कहती है ना कि पापा एक एग्ज़ाम और देने दो, इस बार मैं सेलेक्ट हो जाऊंगी, लेकिन हमें नहीं पता होता हम सेलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे, हमें यही नहीं पता होता कि हमारे एग्ज़ाम कब है, लेकिन खुद पे भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि ज़िंदगी जब बदलेगी ना हमारी, तो एक दिन की मेहनत से नहीं बदलेगी, जो इतने सालों से आप लग रहे हो ना, वह लास्ट चाबी हो सकती है इस बार। तो मैं ये कहूँगी कि बहुत सारे लोगों को शायद निराशा लग रही होगी, लेकिन इस वक्त मत छोड़ना यार, कुछ भी हो जाए एग्ज़ाम देने से पहले तो मत हारना, कम से कम जितना हो सके लड़ना घर वालों से, क्योंकि मैंने देखा है यार आसपास में अपने दोस्तों को, बहुत सारे रिश्तेदारों को, जो अब कहते हैं कि यार हम भी नौकरी लगना चाहते थे, हमने उस दिन मतलब एक तरह से जिद नहीं करी, घर वालों के सामने हार मान गए, या फिर हमने एक दो एग्ज़ाम्स में फेल होके वो तैयारी छोड़ दी, लेकिन लाइफस्टाइल बहुत हद तक चेंज होती है, मैं कहूँगी ज़िंदगी अलग हो जाती है। इसलिए प्लीज़ अगर लगे हो इतने सालों से, तो प्लीज़ ये लास्ट चांस मान के तैयारी करना। एक चीज़ और लास्ट में एग्ज़ाम्पल दूँगी कि एक बैम्बू जो ट्री होता है ना, वो हम उसमें पानी देते रहते हैं, हम उसमें लगातार पानी देते रहते हैं, वो 5 साल में 1 सेंटीमीटर भी मतलब उगता नहीं है, ऊँचा नहीं पड़ता, लेकिन 5 साल में हम एक दिन भी उसमें पानी देना नहीं छोड़ सकते, है ना। क्यों? अगर छोड़ देंगे तो वो जल जाएगा, लेकिन अगली साल वह 9 हफ्ते में 9 फुट बाहर आता है, 5 साल में वह 1 फुट भी नहीं उगता, और 9 हफ्तों में वह बैम्बू का ट्री जो है वो 9 फुट लंबा चला जाता है। तो क्या यह है उसकी एक साल एक नौ हफ्ते की मेहनत थी कि वह 9 फुट लंबा हुआ? नहीं, वह उसके 5 साल 9 हफ्ते की मेहनत थी। तो सिर्फ इस बात का मतलब यही है कि कंसिस्टेंसी, अगर आप ज़िंदगी में लगातार हो, ज़िंदगी में लगे पड़े हो, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सके या फिर आपको मंजिल दिलाने से हार जाए। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि यार आप कितने टफर हो, कितनी घरेलू सिचुएशन ख़राब हो,
कितने आप पढ़ाई में औरों से इंटेलिजेंट नहीं हो, कितने आपके कम नंबर आ रहे हो, लेकिन आप अगर लगातार लगे पड़े हो, आपने 3-4-5 सालों से लगातार मेहनत करी है, कठिन परिस्थितियों में भी प्रत्येक दिन मेहनत करी है, तो जिस तरह बैम्बू का ट्री एक दिन फल ज़रूर देता है, ज़िंदगी सेम उसी तरह से है। कंसिस्टेंसी से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, और वह जो 5 सालों की मेहनत है वो एकदम से बाहर आएगी। जब मैंने ये एग्ज़ाम्पल सुना था, मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि मैंने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी मेरा 26 या 27 सितंबर को मेरा SI फिजिकल एग्ज़ाम था, जब तक मैंने ज्योग्राफी छुई भी नहीं थी, कितने सालों से, कम से कम 4 सालों से। और सितंबर के बाद में जब मैं फिज़िकल दे के आई थी, तो मैं बहुत टूट फूट चुकी थी। 15 दिन तक तो मेरी बेड से उठने की हालत नहीं थी, इतनी जगह चोटें लग गई थी। लेकिन फिर मैं लाइब्रेरी जाने लगी टूटी फूटी हालत में, लंगड़ाते लंगड़ाते। और सितंबर के बाद में, मान लो अक्टूबर से मैंने पढ़ाई शुरू करी, 7 जनवरी की एग्ज़ाम थी, 7 जनवरी की, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 7 जनवरी की तो थी ही, 3 महीने थे जिसमें दिवाली भी थी। और मैं RAS की तैयारी के चक्कर में बहुत सालों से दिवाली पे घर नहीं गई थी, तो उस साल मैं दिवाली पे शायद 8-10 दिन घर रह के आई थी, क्योंकि मम्मी ने कहा था कि अब तो तूने मेंस दे दी, अब तो घर आ जा। और तो देख लो, उन 3 महीनों की तैयारी में मैं फर्स्ट ग्रेड निकाली, और फर्स्ट ग्रेड ही नहीं, मैंने दिसंबर शायद 25 दिसंबर की उस साल नेट की एग्ज़ाम निकाली, और उसके साथ ही 7 जनवरी को मैंने फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी निकाली। तो क्या कोई समझ सकता है कि मैं सिर्फ 3 महीने की तैयारी में फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम निकाल सकती हूँ? नहीं भाई, ये 3 महीने की तैयारी नहीं थी, ये 7 साल और 3 महीने थे, है ना, जिन 7 सालों में मैं लगातार पढ़ रही थी। चाहे मैं डफर हो, चाहे मैं इंटेलिजेंट हो, चाहे मैं किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन ऊपर वाला वो हमें ज़रूर देगा जो हमारे लायक है। तो आपको भी वो ज़रूर मिलेगा जिसके आप लायक हो। मैं जीता जाता एग्ज़ाम्पल हूँ इसका आपके सामने, और दुनिया में बहुत सारे एग्ज़ाम्पल है इसके सामने कि हारा वही जो लड़ा नहीं। तो शायद ये आपका अंतिम चांस हो सफलता मिलने में। मुझे पता है देरी ज़रूर लग रही है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि सफलता आपको मिले नहीं, ज़रूर मिलेगी। बस कोशिश करते रहिए और कोशिश करना मत छोड़िएगा। तो आज की वीडियो में मुझे पता है भाषण थोड़ा ज़्यादा हो गया, वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि मैं आपसे रूबरू हो सकूं कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तबीयत बिल्कुल ठीक है, घर में भी सब बिल्कुल सही है, आप सब लोगों की दुआओं से। बस थोड़ा सा मुझे ब्रेक चाहिए था सोशल मीडिया से, इसलिए मैंने ब्रेक लिया। वायरल राजस्थानी टीचर के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है, जिसमें मैं थोड़े बहुत पोस्ट अपनी पर्सनल लाइफ से या स्कूल लाइफ से रिलेटेड करती रहती हूँ। तो अगर आप वहाँ मेरे साथ जुड़े हुए होते तो आपको दिख जाता कि हाँ, मैं ठीक ठाक हूँ, बट कोई ना। और मैं कोशिश करूँगी कि आप सब लोगों के जो कमेंट्स हैं उनका रिप्लाई भी करूँ अब से, और चैनल पर भी कंटिन्यू रहूँ बाकी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच, और इतना सारा प्यार दिखाने के लिए चैनल को, और मुझे याद रखने के लिए। मैं सोचती थी बस ज़िंदगी में एक ही सपना था कि जिस दिन मरेंगे उस दिन ऐसे ही मर जाएंगे यार, कोई याद ही नहीं करेगा रिश्ते परिवार के अलावा। लेकिन अब ऐसा लगता है कि छोटी सी उम्र में कुछ ऐसा काम तो किया है जिससे परिवार के अलावा अनजान लोग भी थोड़ा तो याद रख रहे हैं। तो बस आप सब लोगों ने इतना प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और हिम्मत रखिए, वैकेंसी भी आने वाली है, और कोशिश करते रहिए बस दिन में, चाहे अभी 4 घंटे ही पढ़ो, 5 घंटे ना पढ़ो, 4 घंटे रेगुलर पढ़ो, किसी दिन छोड़ना मत बस पढ़ाई को, ठीक है। आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।